आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023। बिहार में शिक्षकों की जो भर्ती होनी है, लगभग 1,78,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, जिसके लिए बीपीएससी ने एग्जाम सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इस बार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम कराएगी, जिसके लिए सिलेबस में काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो पूरा सिलेबस को हम लोग आज के इस वीडियो में अच्छे से समझ लेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नए जुड़े होंगे चैनल पर, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए बिहार लोक सेवा आयोग पटना। तो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिए पत्र, विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए क्या योग्यता है, यहाँ पर किस प्रकार का एग्ज़ाम सिलेबस है, प्राइमरी टीचर 1 से 5 के लिए, वो हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाषा अर्हता, ये कंपलसरी पैसेज है, जो पेपर होगा भाषा का होगा, जिसमें भाषा के पेपर में कुल प्रश्न 100 होंगे, ये कंपलसरी है। और भाग 1 और भाग 2, तो भाषा के पेपर में भाग 1 भाग 2 क्या है वो जानेंगे। एग्ज़ाम का जो अवधि होगा 100 प्रश्नों के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा, कुल अंक 100 हैं, यानी हर प्रश्न पर 1 अंक मिलेगा। भाग 1 में 25 क्वेश्चन होंगे, भाग 2 में 75 क्वेश्चन होंगे। तो प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए यह पेपर कंपलसरी होने वाला है। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी शिक्षक के लिए, यानी 1 से 8 तक के शिक्षक के लिए यही सिलेबस होगा। यह पत्र 2 भागों में होंगे, भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 में अंग्रेजी भाषा के सभी के लिए अनिवार्य होगा, तो 25 क्वेश्चन जो होगा वो अंग्रेजी भाषा का सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाग 2 होगा हिंदी भाषा या उर्दू भाषा या बंगला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। इस पत्र का अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य है। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के सभी के लिए कंपलसरी होंगे, और ऑप्शन चुनने के लिए दिया जाएगा 75 क्वेश्चन जो भाग 2 में होगा, उसमें से या तो हिंदी या तो बंगला और या तो उर्दू चुन सकते हैं। तो ये प्राथमिक 1 से 5 और 6 से 8 के टीचर के लिए ये पेपर कंपलसरी है। बात करेंगे सामान्य अध्ययन, यानी पहला पेपर तो ये होगा, लेकिन अब दूसरा पेपर क्या होगा, यहाँ देखिए सामान्य अध्ययन का पेपर होगा दूसरा पेपर, जिसमें कुल प्रश्न 150 होंगे, समय मिलेगा 2 घंटे का, और अंकों की संख्या भी 150 होगी। यहाँ देख सक रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक। तो 150 नंबर के लिए 2 घंटा मिलेगा और 150 नंबर मिलेगा, इसमें 150 प्रश्न, 150 नंबर, एक एक नंबर का सभी प्रश्न का यहाँ पर मान रखा गया है। तो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए ये होगा, किसके लिए, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए होगा। तो इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी मैथ होगा, रीजनिंग होगा, सामान्य जागरूकता करंट अफेयर्स होगा, सामान्य विज्ञान होगा, सामाजिक विज्ञान होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होंगे, भूगोल और पर्यावरण शामिल होंगे। तो सामान्य अध्ययन के पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। कहने का अर्थ यह है कि बिहार सरकार क्लास 1 से 5 तक के जो सिलेबस होंगे, वो सिलेबस से क्वेश्चन होगा सामान्य अध्ययन का, साथ ही साथ जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, जैसे कि मान लीजिए 12th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी टीचर में, तो 12th क्लास तक का सिलेबस जो है वो आपका सामान्य अध्ययन में 150 प्रश्नों में रहने वाला है। और यहाँ पर डिटेल तो दिया नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ बीएड और डीएलएड से रिलेटेड प्रश्न भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे विषय एवं सामान्य अध्ययन माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। तो माध्यमिक विद्यालय में क्या करना होगा, तो देख लीजिए विषय और सामान्य अध्ययन, तो 150 प्रश्न कुल होंगे,
जिसमें के लिए 2 घंटे मिलेंगे और 150 नंबर मिलेगा, हर क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा। भाग एक में 100 प्रश्न, भाग दो में 50 प्रश्न। तो ये क्या है, भाग एक भाग दो माध्यमिक विद्यालयों के लिए है। तो यह पत्र 2 भाग के होंगे, भाग एक एवं भाग दो। भाग एक एक ऐसा विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव करना होगा। हिंदी, बंगला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। तो 100 नंबर का प्रश्न के लिए आप सभी को इसमें से कोई एक विषय का पत्र चुनना होगा। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो आप जिस क्लास के लिए पढ़ाएंगे उसी क्लास से रिलेटेड सिलेबस होगा। तो ये 100 प्रश्न आपका आपको चुनना पड़ेगा, आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपने जिसमें भी ऑनर्स किया है वो चुनना पड़ेगा। भाग दो एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसमें प्रश्न माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। देखिए यहाँ पे भी क्लियरली कहा गया है 100 नंबर विषय का स्पेसिफिक होगा। आपका मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री के लिए यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन जो सामान्य अध्ययन का होगा। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, तो विषय एवं सामान्य अध्ययन देखिए, तो यहाँ पर भी भाग एक में 100 क्वेश्चन, भाग दो में 50 क्वेश्चन, सेम तरीका है। 150 नंबर का 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर मिलेगा, इसके लिए 2 घंटा मिलेगा। तो उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए अध्यापकों के लिए यह है। यह पत्र भी 2 भाग में होंगे, भाग एक भाग दो। तो भाग एक में जिस तरह से माध्यमिक विद्यालय में दिया गया है सिलेबस, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य लेखा, संगीत एवं उद्यमिता, यानी जो भी सिलेबस आपका उच्च माध्यमिक के लिए होगा वो आपको यहाँ पर एक चुनना पड़ेगा। विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। भाग दो एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। तो देख लीजिए सबसे बड़ा जो डिटेल है वो नोट यहाँ पर है। देखिए क्या दिया है नोट, नोट नंबर एक में ध्यान से पढ़िए आप सभी। प्रस्तुत वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, यानी MCQ टाइप क्वेश्चंस होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती होगी। सबसे बड़ा अपडेट यही है कि नेगेटिव मार्किंग होगा, नेगेटिव मार्किंग होने जा रहा है। तो उम्मीद है आप सभी को बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का क्वेरी होगा तो कमेंट कर सकते हैं। नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।